फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन जीएसएस एजुकेशन। अब इस चैप्टर में हम आगे देखेंगे कि काइनेमेटिक्स इक्वेशंस कुछ होते हैं जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए यूज होते हैं। तो हम देखेंगे कि उन इक्वेशन को हम कैसे फॉर्म करते हैं और उनका यूज कैसे होगा। तो जनरली यहाँ पर तीन इक्वेशन होता है काइनेमेटिक्स में जो यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं हम कि वो कैसे बनते हैं। फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वी कैन डिराइव सम सिंपल इक्वेशन दैट रिलेट डिस्प्लेसमेंट, टाइम, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो हमारा जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है, इसमें कुछ इक्वेशन होते हैं जो कि डिस्प्लेसमेंट, टाइम, इनिशियल वेलोसिटी जिसे हम वी नॉट से डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी वी और एक्सेलरेशन, इन सबसे मिलकर बनता है, ठीक है। तो वी नॉट जो होता है वो इनिशियल वेलोसिटी होता है, इसे हम यू भी बोलते हैं। कहीं कहीं आपको यू लिखा हुआ भी दिखता है या फिर ज़्यादातर आपको यू ही दिखेगा, और फाइनल वेलोसिटी वो वी के रूप में लिखेगी दिखेगी, ठीक है। अब इसमें है कि इक्वेशन 3.6 ऑलरेडी ऑब्टेंड गिव्स अ रिलेशन बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पे जो इक्वेशन दिया हुआ है वो फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी का ये रिलेशन है, जिसमें एक्सेलरेशन और टाइम भी आप देख रहे हैं यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये जो हमारा इक्वेशन है ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए है, वी इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी या वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमारा पहला इक्वेशन होता है काइनेमेटिक्स का। दिस रिलेशन इज ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड इन फिगर 3.12। अब इस रिलेशन को हम ग्राफिकली देखते हैं कि कैसे इसको ग्राफिकली देखेंगे। तो एरिया बिटवीन इंस्टेंट 0 एंड टी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी। अब इसमें देखिए फिगर में देखते हैं, अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ये जो फिगर है जिसमें एरिया दिख रहा है आपको, ये टोटल एरिया, ये वेलोसिटी और टाइम में ये ग्राफ दिया हुआ है जिसमें ट्रायंगल ए बी सी है और ओ ए सी डी एक रेक्टेंगल है। तो इसका टोटल जो एरिया आएगा वो हमें देगा डिस्टेंस। वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ होता है उसमें अगर एरिया हम निकालते हैं अंडर द कर्व तो वो हमारा आएगा डिस्टेंस। अगर कोई कर्व दिया हुआ है उस कर्व पे हम स्लोप फाइंड करते हैं तो वो एक्सेलरेशन को डिनोट करता है, जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में होता है। वहाँ पे अगर किसी कर्व पे हम निकालते हैं स्लोप तो वो होता है वेलोसिटी। इसी तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर कर्व पे निकालते हैं तो एक्सेलरेशन होता है, और अगर हम एरिया निकालते हैं तो वो डिस्टेंस दिखाता है, ठीक है। तो उसी तरह हम इसमें आगे अब इसका इन दोनों का एरिया निकालेंगे। ए बी सी का एरिया जो है ट्रायंगल हो जाएगा, तो ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू ये जो इसका बेस है वो ये है टाइम टी, हाइट जो है वी माइनस वी नॉट, क्योंकि ये जो लेंथ है ये 0 से टी तक है तो ये टी हो जाएगा, और ए सी भी उसी के बराबर है तो ये टी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ए बी सी। अब हमको निकालना है ओ ए सी डी, तो ओ ए सी डी का एरिया जो हो होगा वो हो जाएगा वी नॉट इंटू टी, टी जो ये लेंथ है टी ही रहेगा और ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो है वो वी नॉट है, ठीक है। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ये नीचे दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए ये दिया है एक्स इक्वल टू 1/2 वी माइनस वी नॉट टी प्लस वी नॉट टी, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब जब इसे सॉल्व करेंगे हम तो हमारा इक्वेशन ये निकल के आता है। यहाँ पर देखिए वी माइनस वी नॉट इक्वल टू ए टी होता है फर्स्ट इक्वेशन में, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है वी इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। अगर हम इसे इस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा वी माइनस वी नॉट ए से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो वी माइनस वी नॉट अपॉन ए आ जाएगा, या वी माइनस वी नॉट इक्वल टू ए टी हो जाएगा, तो उसी को हम वहाँ पे रख दिए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो ए टी है वो वी नॉट वी माइनस वी नॉट की जगह पर रखा गया है इसे, तो ये हो गया है ए टी स्क्वायर हाफ वी नॉट टी, पहले से ही था, ठीक है। तो अब ये हमारा आ गया एक्स इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। अब इक्वेशन 3.7 जो है ये, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं वी प्लस वी नॉट बाई टू टी एक्स इक्वल टू, तो इसे हम वी डैश अपॉन टी लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें जब आगे देखेंगे तीसरे इक्वेशन के लिए, तो यहाँ देखिए एक्स इक्वल टू वी प्लस वी नॉट टी बाई टू आ गया, जिसको हम v बार t लिखते हैं, और v बार की जगह पे ये है,
वी प्लस यानी एवरेज है वेलोसिटी का। तो इक्वेशन 3.9a बी मीन्स दैट ऑब्जेक्ट है अंडरगो डिस्प्लेसमेंट एक्स विथ एन एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू द अर्थमेटिक एवरेज ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। ये जो वेलोसिटी है वो अर्थमेटिक एवरेज है फाइनल और इनिशियल का। तो इस वैल्यू को जब हम इसमें रख देंगे इस इक्वेशन में तो हमारा थर्ड इक्वेशन निकल कर आ जाता है यहाँ से। तो v बार इक्वल टू वी प्लस वी नॉट अपॉन टू एंड टाइम इक्वल टू वी माइनस वी नॉट अपॉन टी, जो कि ये फर्स्ट इक्वेशन से निकला है। यानी हम x इक्वल टू वी टी पे सिर्फ इन दोनों को जब पुट कर देंगे तो हमारा ये थर्ड इक्वेशन निकल कर आता है, जो कि बहुत सिंपल है, सबसे सिंपल ये होता है थर्ड। ठीक है, तो इस तरह से अब तीनों को हम कंबाइंड करके देखते हैं कि तीनों इक्वेशन क्या है। तो ये देखिए, ये है हमारा तीनों इक्वेशन। पहला है v इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, एक्स इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस टू ए एक्स। दीज आर द काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ फॉर कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन। एक चीज़ आप माइंड में रखिएगा कि ये इक्वेशन जो हम यूज करेंगे उसमें पहला चीज़ हम देखेंगे कि एक्सेलरेशन जो है वो कॉन्स्टेंट होना चाहिए। अगर एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है तभी हम इन तीनों फार्मूले में से किसी भी फार्मूले को यूज करेंगे कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन हमारा कॉन्स्टेंट नहीं है तो फिर हम इसे बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन यूजिंग मेथड ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस से हमें निकालना है कि अब ये यही तीनों इक्वेशन कैलकुलस के फॉर्म में कैसे निकलेंगे। तो यहाँ पे हम डिफिनेशन के हिसाब से जानते हैं कि एक्सेलरेशन जो होता है वो चेंज इन वेलोसिटी इन चेंज इन टाइम होता है। तो इसे हम लिख लेंगे, अब इसको हम डी वी इक्वल टू ए डी टी लिखकर इसे हम इंटीग्रेट करेंगे वी नॉट से वी तक, यानी इनिशियल से फाइनल तक और जीरो से टी टाइम में। जब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं तो हमारा पहला इक्वेशन निकल के आता है जो ये है वी इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। ये बहुत सिंपल होता है, बस आपको ये याद रखना होता है कि हम एक्सेलरेशन से इसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा इक्वेशन निकालने के लिए हम वेलोसिटी का टर्म यूज करते हैं वी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, यानी चेंज इन टाइम चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। अब इसे भी हम बोथ साइड इंटीग्रेट करते हैं, इसे जब हम बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारा इक्वेशन निकल कर आता है आफ्टर इंटीग्रेशन। अब इसे हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इक्वल टू, अब ये देखिए थर्ड इक्वेशन के लिए हमें थोड़ा सा चेंज करना होता है, एक्सेलरेशन वाला ही चीज़ यूज करते हैं हम, लेकिन हम डी वी बाई डी टी को लिख देते हैं डी वी अपॉन डी एक्स एंड डी एक्स अपॉन डी टी। यहाँ पर देखिएगा आप कि अगर इसे कट कर देंगे तो वापस से हमारा ये यही चीज़ आ जाता है, लेकिन हमें इसका यूज करना है अपना इक्वेशन लाने के लिए, तो इसलिए हम इसे इस फॉर्म में लिखते हैं। तो डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू वी हो जाता है। ये देखिए डी एक्स अपॉन डी टी को हम बोलते हैं वी, और ये वी यही लिखा हुआ है और डी वी बाई डी एक्स ये है। ठीक है, तो फाइनली हम ए इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स को यूज करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ हो जाएगा ए डी एक्स वी डी वी, अब इसे हम इंटीग्रेट करेंगे, ये इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी और डी एक्स है तो ये एक्स नॉट से एक्स तक इंटीग्रेट करते हैं, तो फिर हमारा ये निकल के आता है। तो इस तरह से जब हम इंटीग्रेशन के हिसाब से देखेंगे तो ये तीनों इक्वेशन इस तरह से निकलते हैं, जिसे आप कॉपी पर लिख कर याद कर लीजिएगा अच्छे से।